आपका दास नेमचंद रैदास कैरी टुडे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नाउ वी विल हैव टू रीड फ्यूचर परफेक्ट टेंस. व्हाट इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फर्स्टली वी हैव टू रीड द पूर्ण भविष्य काल. मतलब अब कोई कार्य फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा, हम उसकी कल्पना कर रहे हैं. ये सेंटेंसेस आप लोग सोच रहे होंगे कि सर लोग क्यों पढ़ाते हैं. फ्यूचर में कोई चीज हो चुका होगा, ये हम कोई डिसाइड तो कर नहीं सकते क्योंकि वो तो फ्यूचर की बात है ना, और वो हो चुकी होगी, ये हम कैसे कह सकते हैं. तो कभी कभी ये डाउट्स की स्थिति भी बन जाती है, लेकिन हमको इसको समझना है और पढ़ना है, कई बार इसको पढ़ना पड़ता है. तो चलिए देखते हैं आखिर बनाना क्या है. अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं तो इसमें हमको, हमने देखा सिंपल फ्यूचर में हमने विल का और सेल का यूज किया, जिसमें हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया. फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने केवल विल के साथ बी का यूज किया, विल है, और सेल के साथ बी का यूज किया. क्लियर? लेकिन अब हमें क्या करना है कि केवल हमें विल और सेल के साथ हैव का यूज करना है. सब्जेक्ट, अगर हम सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के साथ, जैसे हम जानते हैं कि आई और वी, इन सब्जेक्ट्स के साथ केवल हम सेल लगाते हैं तो हम सेल हैव कर देंगे प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. बाकी सभी चीजें वैसी ही यूज की जाएंगी, ऑब्जेक्ट्स एंड अदर थिंग्स. अगर हम सब्जेक्ट बाकी चीजों की बात करें, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, तो यहां हमें विल के साथ हैव का यूज करना है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अगर ऐसा सेट करते हैं तो हमारी हिंदी के अंत में हमें चुका है, चुकी, चुका है आएगा, चुका होगा, चुकी होगी, मतलब कोई काम हो चुका होगा, चुके होंगे, कोई काम कर चुके होंगे. चलिए देखते हैं. जैसे हमने पहला सेंटेंस बनाया, आई सेल हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, माई स्टडी, एनीथिंग. आई सेल हैव कंप्लीटेड माई स्टडी, मैं अपना अध्ययन पूर्ण कर चुका हूंगा. मतलब अगर हम ये बात करें इन 2025 आई विल हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन. तो आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में कह सकते हैं, अभी अगर आप 12th में हैं तो आफ्टर 3 years यू विल हैव कंप्लीटेड आफ्टर 3 years योर ग्रेजुएशन, आई थिंक दैट. तो इस चीज को तब के लिए बोला जा सकता है, लेकिन ये भी एक कोरी कल्पना है. इसीलिए यहाँ पे भी हम सेल आई वी के साथ सेल लगाते हैं और बाकी के साथ विल का यूज करते हैं, क्योंकि वो भी हम एक कल्पना ही कर रहे हैं कि ये चीज हो चुका होगा. ठीक है, चलते हैं हम. ये आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया है, ऑलरेडी समझ में आ रहा है. तो बाकी सब्जेक्ट के साथ हम यू के साथ विल हैव का यूज कर सकते हैं. यू विल हैव गॉन टू मुंबई, मुंबई जा चुके होंगे. इजी है, आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. फ्यूचर टेंसेस सेंटेंसेस हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट में, फिर से एक बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं फ्यूचर टेंस को. सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने किया था विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आई विल प्ले, आई विल स्टडी, आई विल सिंग ए सॉन्ग. फ्यूचर कंटीन्यूअस वी हैव यूज्ड विल बी, आई विल बी या आई शैल बी स्टडिंग इन हाउस, आई विल बी टीचिंग टू ऑल, यू विल बी रीडिंग इन योर हाउस. आई टोल्ड यू ना what is the change of those both things sell and will. मैंने आपको स्विच करना बताया था कि क्या मतलब होगा. अगर will और sell हमने दोनों चीजों को एक दूसरे से चेंज कर दी, मतलब sell को हम will की जगह और will को sell की जगह हम स्विच कर दें, तो emphasis use होता है, जो डरने वाला sentences हो जाता है, जिसमें आप फोर्स कर रहे होते हैं सेंटेंस में, जैसे आई विल किल यू, वो तो मैंने समझाया था. फोर्थ, अब इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट जो आप देख रहे हैं.
ना फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, हमको हिंदी लेना है। देखा हमने सब्जेक्ट आई वी के साथ सेल्फ हैव लगाया प्लस वर्ब फॉर थर्ड फॉर्म, यहाँ यू यू दे ही सी इट नेम के साथ हमने विल हैव लगाया वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे आई विल हैव कंप्लीटेड माय स्टडी, मैं अपना अध्ययन पूर्ण कर चुका होगा, या यू विल हैव गॉन टू मुंबई, आप मुंबई जा चुके होंगे। आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, आई हैव रिसाइटेड यस्टरडे द वेरी नाइस स्टोरी टू यू, बट आई थिंक दैट यू हैव लिसन और नॉट, बट आफ्टर लिसनिंग दीज थिंग्स सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।